चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जहां सत्तारूढ़ बीजेपी एक तरफ सत्ता में बने रहने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी अपने प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ की सत्ता को हथियाना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, वैसा ही कांग्रेस के साथ हुआ है। दरअसल कांग्रेस के एक ट्वीट ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल ला दी है। छत्तीसगढ़ INC ने रमन सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हुए लिखा कि छक्को बनाकर सबसे गरीब राज्य मांग रहे मौका चौथी बार, आखिर क्यों? कांग्रेस ने अपने इस ट्वीट में छत्तीसगढ़ के नक्शे को दिखाने के लिए भारत के जिस नक्शे का इस्तेमाल किया है, उस नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर गायब है, जिस पर अब बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को तो घेरा ही, साथ ही FIR भी दर्ज कराई। मामला बढ़ता देख कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया और लिखा, हमने रमन राज में महिलाओं के गायब हो जाने जैसे भयावह मुद्दे को उठाया, जिसमें प्रयुक्त चित्र में भूलवश भारत का नक्शा अपने मूल नक्शे से अलग था। हम गलती के लिए खेद प्रकट करते हैं। कांग्रेस भारत की अखंडता की हमेशा पक्षधर रही है। अब अपने इस कारनामे पर कांग्रेस कितनी ही माफी क्यों न मांग ले, लेकिन बीजेपी को तो मानो कांग्रेस पर हमलावर होने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हाथ लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग से स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा है, कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के फिराक में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाने के चक्कर में देश की एकता और अखंडता से ही खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी का देश की जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है।